सत्संग ही है आपका मन को बिलोड बिलोड कर पक्का पवित्र बना सकता है, वो कर सकता है। सत्संग से बहुत कुछ लाभ होता है। अब हम देखेंगे परिस्थिति को, एक छोटी सी लड़की ने कैसा सामना किया अपने बुद्धि से, बुद्धि बल से। बुद्धि बल में भगवान का पूरा शक्ति भरा हुआ है, ऐश्वर्य भरा हुआ है, ईश्वरीय तत्व भरा हुआ है। एक कुंवर रानी नाम की लड़की के बारे में, राजस्थान में रहने वाली, उसने परिस्थिति को अपने बुद्धि बल से कैसा सामना किया और महान बन गई और उसे लोग देवी कर पूछते थे और उसके पद पर लोग चलने लगे। वो राजस्थान की रहने वाली एक नन्ही सी 14 साल की लड़की थी। बचपन में ही इकलौता अपने माँ बाप की पुत्री होने के कारण बहुत लाड़ से पली है, बहुत लाड़ प्यार से पली है। नीचे जमीन पे अगर चलेगी तो धूल लग जाएगा, या तो धूप में चलेगी तो धूप लग जाएगा, ऐसे पाले थे उसके माँ बाप ने। हम भी ऐसे पालते हैं बच्चों को, इतना अच्छी तरह से पाले थे। और माँ बाप भक्त थे भगवान के, बहुत सात्विक गुण वाले थे। कहा जाता है माँ बाप का गुण बच्चों को भी आता है। इतने सात्विक कि कुछ कहो नहीं। उस लड़की के ऊपर भी वो सारा गुण आ गया था। धन दौलत की तो कोई कमी नहीं थी। बच्ची हर रोज सत्संग में माँ बाप के साथ जाया करती थी। महात्माओं का सेवा होता था उनके घर में, पूजा होती थी, पाठ होती थी, दान धर्म होता था, त्योहारे बनाए जाते थे, तो सभी में भाग लेती थी। छोटी सी नन्ही सी बच्ची, और जब वो 14 साल की हो गई, थोड़ा सा उसे पढ़ना लिखना सब कुछ सिखाया गया था। तो 14 साल में हम उन दिनों 12 साल में शादी बना देते हैं, तो 14 साल में अच्छा वर देकर कुंवर रानी का ब्याह कर दिया गया, थोड़ा दूर गांव में। कुंवर रानी घर चली गई, शादी बनाकर उसी दिन या 2 दिन के बाद रवाना हो गए। जैसे वो घर पहुंची वहां पे ससुराल में, तो यहां उनके माँ बाप गुजर गए दोनों ही। पाठ पूजा करते करते, भगवान का ध्यान करते करते वो ईश्वरीय पद में दोनों एक साथ पहुंच गए। उस बेटी को घर लेके आने के लिए माँ ने कहा था, कुंवर रानी मैं किसी को भेजूंगी, 4 दिन के बाद में तुम मायके आ सकती हो। वो एक कुछ रिवाज था। तो 4th दिन वो मायके जाने के लिए तैयार थी, कोई आएगा लेने के लिए, मेरी माँ भेजेगी किसी को। तो संदेश आया कि माँ और बाप गुजर गए। क्या करती 14 साल की बच्ची, ना भाई है, ना बहन है, ना कोई है। वापस आई, थोड़ा तो पहला मायूस हो गई, दुखी हो गई, विचार करने लगी, सोचने लगी। फिर उसको सत्संग में सुना हुआ कई बातें याद आई। परिस्थिति को बहुत ही हिम्मत से भगवान का नाम लेके सामना करना चाहिए। तो उसने कहा, हे भगवान, हे मेरे लाल,
हे कन्हैया मुझे शक्ति दो, मेरे साथ रहो, आपने वादा किया था मेरे भक्तों के साथ मैं हमेशा रहूंगा, मेरे साथ रहना, मैं मायके चली, जो खबर लाए थे उनके साथ वो निकल पड़ी, मायके में आई, माँ बाप का जो भी अंतिम संस्कार है सब कुछ उसने बहुत अच्छी तरह से किया, बहुत हिम्मत से किया, छोटी सी लड़की भगवान का नाम लेके। हमेशा वो कहती थी मैं आपका उंगली नहीं पकड़ूंगी, मेरा उंगली आप पकड़ना, उसे एक महात्मा ने ये कहा था। बेटा माँ का उंगली तू पकड़ कर बाजार जाओगी तो कभी हाथ छूट जाएगा, हमेशा कहना माँ को कि मेरा उंगली तुम पकड़ो। बिल्ली बच्चों को उठाती है अपने मुंह में और ले जाती है बहुत शेर से, परंतु जब भी वो चूहे को खाती है तो एक ही पंजा मार के उसको मुंह में डाल के खा लेती है, पर अपना बच्चों को उठाती है बहुत साफ ठीक से अपने मुंह से, जैसे दांत भी उसको लगे नहीं, उठा के लेकर जाती है, सेफली रखती है जहां उसको रखना है। बंदर, बंदर को, बंदर अपना माँ को पकड़ता है, कभी भी हाथ छूट सकती है, नदी में गिर सकता है या उस पार जाने के टाइम में नीचे गिर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं बिल्ली की भांति ईश्वर के पास शरणागत हो जाओ। उपनिषद और बड़े बड़े शास्त्रों में बड़े बड़े विद्वान लोग बिल्ली की भांति कहते हैं, प्रहलाद ने भी बिल्ली को देखा और प्रहलाद भी शरणागत होने के लिए बिल्ली से ही सीखा है, ऐसा कहा गया है। बिल्ली की भांति सरेंडर, यू टेक मी एनीवेयर, आई एम यूअर्स, आई एम हेल्पलेस, ऐसे शरणागत। तो सुन बैठी थी ये बच्ची तो कहती है भगवान मेरा कन्हैया आप मेरे हाथ धरोगे और मुझे राह दिखाओगे, ऐसे बोल कर गई। और फिर जितना भी उनका धन दौलत था सब अच्छा दान धर्म में बांट के और कुछ व्यवस्था करनी थी करके इतने हिम्मत से अपना ससुराल आ गए। सोचो 14 साल की बच्ची कैसा परिस्थिति को सामना करती है भगवान के नाम पे, किसी बुद्धि को उपयोग करती है, बुद्धि बलता के ऊपर चलती है। शी डिसाइड्स व्हाट टू डू, यू हैव दैट मेंटल पावर टू डिसाइड। बट हम मोह के कारण अटैचमेंट के कारण भ्रमित हो जाते हैं तो हम कुछ निर्णय नहीं ले पाते हैं, करके आती है घर में ससुराल में आती है बहुत खुशी से रहती है, पति भी बहुत बहुत अच्छे थे, सास ससुर भी बहुत अच्छे थे, घर में कोई कमी नहीं था, सब उसको उसने जो काम किया है उसके लिए तारीफ करते थे। हमारे घर में देवी माँ लक्ष्मी आई है बहू के रूप में, ऐसे कहते थे सास ससुर और जो सगे संबंधी थे,
परंतु 6 महीने में उसका पति मर गया। हम होते तो क्या कहते, हे भगवान क्यों ऐसा किया आपने, मुझे अनाथ बना दिया आपने, ऐसा कर दिया, इतना बड़ा भक्त मैं दिन रात तुम्हें पूजा करती हूं, यही मुझे तुमने दिया क्या, ऐसा मांग पूछेंगे भगवान को। हे भगवान जो तुमने किया ठीक नहीं किया, हे परमेश्वरी जो आपने किया वो गलत किया, मेरे से आपने गलत किया, ऐसा कहेंगे। परंतु कुंवरानी ऐसे नहीं कहती है, सोचती है, बोलती है ईश्वर मंगलमय है, ईश्वर का हर काम मंगलमय होता है, जो भी वो करते हैं वो हमारे भलाई के लिए करते हैं। God does everything for best and for me, मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत उनकी प्यारी हूं, मेरे से जो भी खिलवाड़ वो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे। मंगलमय ईश्वर कभी अमंगल कर ही नहीं सकते हैं, उनका कार्यों में हम कभी भी दोष नहीं करेंगे। तो भगवान ये भी मेरे अच्छे के लिए किया आपने, पहले तो थोड़ा दुख होता है, उसके बाद विचार करने के बाद में उसने निर्णय लिया कि जो भगवान करता है वो मेरे अच्छे के लिए ही करता है। I have to stand everything, मुझे सबका सामना करना पड़ेगा, हर परिस्थिति का सामना मुझे करना पड़ेगा। उस शक्ति से वो निर्णय लेती है कि जो भगवान ने किया है मेरे लिए अच्छा किया। माँ बाप का वात्सल्य जो मोह है उसे काट दिया भगवान ने, वो आधार माँ है बाप है ये निकल गया मेरे अंदर से। पति का जो अटैचमेंट मुंह में मैं पड़ने वाली थी उसे भी भगवान ने हटा दिया। क्यों किया, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वैसे मैं छोड़ूंगी नहीं मुंह को, परंतु मेरा अटैचमेंट मेरा मुंह जब तक नहीं छूटेगा मैं ईश्वर की कैसे बन सकती हूँ, एकमात्र मैं उनको कैसे प्राप्ति कर सकती हूँ, ये उनका कृपा है मेरे ऊपर, मुझे संसार के दोषों से निकालते हैं। कुंवर रानी ने निर्णय किया भगवान के मंदिर में गई और कहती है जो आप कहते करते हैं वो मेरे लिए उचित ही करते हैं, ये सिर्फ महान व्यक्ति सोच सकता है। God does everything for best, his will be done, वो जो करता है उसका जो मर्जी है वही करना है। जाके सीधा सर मुंडा लेती है, अच्छा सफेद कपड़ा पहनती है, भगवान का गोपी चंदन लगा लेती है, तुलसी माला पहन लेती है, जो भी चीजों का उपयोग नहीं है सब दान में दे देती है। सास ससुर को कहती है मैं हूं ना मैं संभालूंगी, आप शांति से रहिए, डट के सेवा करती है सास ससुर का, बिल्कुल समय पर उन्हें खाना देना, उन्हें सब कुछ व्यवस्था करना, उनका नहाने का, कुएं से पानी निकालना, उनका कपड़ा धोना, अपना कपड़ा धोना, घर का सारा काम काज, जिम में जाना नहीं पड़ता था उन दिनों लड़कियों लेडीज लोगों को अपना मोटापा कम करने के लिए।
कोई एक्सरसाइज करना नहीं पड़ता था, घर का कामकाज ही बहुत बड़ा था। योगा करती थी घर में, ये सब काम काज करके अच्छा खाना बनाती थी, सास ससुर को देखती थी, पूजा पाठ करती थी, समय समय पर भगवत गीता, कभी पुराण का कथा, कभी उपनिषद बैठ के सास ससुर को पढ़ा के सुनाती थी, पढ़ती थी सुनाती थी। आहिस्ते आहिस्ते गांव वाले भी आने लगे सुनने के लिए, इतना मीठा ध्वनि, इतना मीठा बातें, इतने ज्ञान की बातें कैसे उसके अंदर से निकला, ये उसका बुद्धि का चमत्कार है, सुबुद्धि का चमत्कार है। घर को तो उसने मंदिर बना दिया, सत्संग का भवन बना दिया। लोग आने लगे कुंवर रानी के पास, कई प्रश्नों का उत्तर सिर्फ उसे देखते मात्र ही मिल जाते थे, उसका कथा मात्र ही मिल जाता था, उसका सत्संग में ही मिल जाती थी लोगों को। आत्मा बन गई, देवी बन गए लोगों के लिए, उसके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। बड़ा अच्छा ढंग से सास ससुर का सेवा करके, उनका आशीर्वाद प्राप्ति करके, उस आत्माओं को खुश करके, उन्हें रवाना करने के बाद में वो वृंदावन यात्रा चली गई। और वहां पे उन्होंने अकेला बैठकर बोली, अब कोई नहीं, मैं और मेरा ईश्वर, डोंट डिस्टर्ब बोर्ड डालना ही नहीं पड़ा, आराम से भगवान के साथ में उनके नाम में रमती रहती थी, उनके ध्यान में मग्न रहती थी। आखिर वेला तक लोग उनके उसके दर्शन के लिए लाइन लगाते थे, दूर दूर के आए राजस्थान से वृंदावन तक उसे। आखिर में ईश्वर का जय जयकार के बीच में उसने अपना शरीर त्यागा और परम धाम को प्राप्ति हो गई। देखो, मनुष्य ईश्वर बन सकता है, देवियां बन सकते हैं, देवताएं बन सकते हैं, सारा गुण हमारे अंदर है, हम उसे उपयोग नहीं करते हैं। समझने के बावजूद भी नहीं उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम वीक है, दुर्बलता है हमारे अंदर, बलहीनता है। इसीलिए उस आत्म तत्व को जान नहीं पाते हैं, विचार मार्ग में जाने की कोशिश नहीं करते हैं, सिर्फ लिमिटेड लाइफ जीते हैं हम। खाना पीना और है ना, उतने ही हमारे अंदर ताकत है, हम कहते हैं नहीं, बहुत अधिक ताकत है, आगे बढ़ना चाहोगे कुछ भी बाधा नहीं आएगी, यह मेरा अनुभव है। कदम रखो, ये जन्म में आप लोगों ने एक कदम उठाया है, अब आगे बढ़ते ही जाओ, बढ़ते ही जाओ। मुझे बहुत खुशी होती है आप लोग समय पर आते हैं, पूजा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, भजन सुनते हैं, सारे मेरे अच्छे डिवाइन वर्क में आप लोग भागीदारी बनते हैं, अच्छा लगता है। यह हमारा गया जन्म का यात्रा है, हम कर रहे हैं, आगे भी चलकर हमें यात्रा करनी है, जब तक हम सब इकट्ठे जाकर ईश्वर में समाई नहीं जाते।
आशीर्वाद है सबको। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, ये याद रखना हमेशा, हमारे बुद्धि में आप विराजमान हो, आप ही बुद्धि रूप में हमारे अंदर विराजमान हो। माँ देवी अच्छा बुद्धि दो, अच्छी बुद्धि दो ताकि हम कुछ कर सकें।